Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर साइंटिस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मॉनिटर का बोर्ड लेके मैं बैठा हूँ और ये जो है एकदम फ्रेश बोर्ड है। तो पहले जो है मैं आपको इस बोर्ड का नंबर दिखा देता हूँ, मतलब ये मॉनिटर का। तो ये जो है आसूस का मॉनिटर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख लीजिए एक बार। और ये अभी जो आया है नो पावर कंडीशन में आया है और इसके अंदर से देखिए अंडा निकल चुका है, तो शॉर्ट सर्किट हुआ है आई थिंक। तो इसे हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और अगर नहीं होता तो जुगाड़ भी कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी SMPS को रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा टेक्निकल होना जरूरी है। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा और मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा बताऊंगा कि कहां से कहां तक आपको चेक करना है। तो पहली पावर देते ही इसमें नो पावर हो रहा है पावर कट। तो पावर कैसे इसमें लाएंगे और स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको चेक करेंगे, तो SMPS सेक्शन का एक मेरा वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज है ये ध्यान से सुनिए, एक भी चीज आप स्किप करोगे तो आपका ही लॉस है। तो पूरा का पूरा आप देखिएगा, एक भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा। और कुछ लोगों को बकवास लग सकता है तो लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट है। तो बात ये है कि ये नो पावर होने के कारण क्या है वो तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आपको जानना होगा जो मोटर का SMPS होता है उसमें कितने टाइप का वोल्टेज आता है। तो पहला जो है आपका दो टाइप का वोल्टेज होता है इसमें, एक 12 वोल्ट से लेके 19 वोल्ट तक होता है और एक होता है आपका 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट जो है आपका ये लॉजिक कार्ड में जाता है, मतलब ये जो मेन बोर्ड होता है इस मेन बोर्ड में जाता है और इस मेन बोर्ड से होके आपका फिर से, मतलब जब चालू होता है यहां से एक PWM जाता है जो कि हमारा ये 12 वोल्ट सेक्शन, मतलब जो 12 वोल्ट इसमें से जाता है 12 से 19 वोल्ट, वो इसकी बैकलाइट सेक्शन में जाता है। तो बैकलाइट को ऑन करने के लिए वो 12 वोल्ट को ट्रिगर करता है और यहाँ पे ये देखिए चॉपर लगा हुआ है, ये तो LCD है पुराना टाइप का। तो इसके नीचे जो IC है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कंट्रोलर IC है बैकलाइट का। तो इसे जब PWM मिलता है तो ये दो MOSFET को ट्रिगर करता है। तो ये MOSFET ट्रिगर होने के बाद यहाँ पे ये चॉपर जो है एक ट्रांसफार्मर टाइप का है, फेरिट कोट टाइप का, तो इससे हाई वोल्ट बनता है और उससे ये बैकलाइट जो है जलता है। तो ऐसे ये लगाया जाता है। तो पहले आपको समझ में आ गया कि इसमें दो वोल्टेज होता है, 5 और 12 से लेकर 19। तो आप अगर कोई भी सप्लाई लेंगे तो उसमें आप 12 से लेकर 19 एक वोल्ट और एक 5 वोल्ट का सप्लाई बना देंगे तो ये आपका काम पूरा हो जाएगा। और बाकी का काम यहाँ पे जो है कनेक्शन इसमें आ रहा है इधर, वो बैकलाइट के लिए वो रहने दीजिएगा और बाकी का काट के फेंक सकते हैं या तो फिर आप छोटा सा किट भी लगा सकते हैं, वो तो दूर की बात। लेकिन इसे आप कैसे रिपेयर करेंगे ये हम बताने जा रहे हैं। तो पहले जो हम क्या करेंगे, ये कनेक्शन लेके शुरू करेंगे, लेकिन पहले हम इसको एक बार चला के देखते हैं। तो ये मैंने इसको लगा दिया और अब इसको ऑन करेंगे। तो देखिए ये ऑन किया और अभी मैं आपको वोल्टेज को चेक करके दिखाऊंगा। तो DC 20 में मैंने सेट किया वोल्टेज को और आपको सब कुछ यहाँ पे दिखेगा अच्छे से। और अभी देखिए कि नेगेटिव आपको कहाँ मिलेंगे। तो नेगेटिव कोई भी कैपेसिटर की नेगेटिव्स में आप लगा सकते हैं या तो फिर यहाँ पे देखिए ब्लैक वाला जो कनेक्टर है इसमें आप डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप चेक करोगे तो इसमें आपका वोल्टेज जो है मिलेंगे अगर सही है तो, लेकिन इसमें कोई वोल्टेज हमारा नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं 0। ये दोनों एक साथ कनेक्टेड है पैरेलल में और ये दोनों एक साथ कनेक्टेड है पैरेलल में। तो इसमें देखिए आधा वोल्टेज से कम आ रहा है, 0.40 वोल्टेज आ रहा है, 0.42, 0.43। तो इसमें क्या हुआ है और क्यों हुआ है वो भी हम बताएंगे, लेकिन पहले इसको ऑफ कर देते हैं और इसको डिस्चार्ज होने के लिए, मतलब डिस्चार्ज करेंगे इसको। तो डिस्चार्ज करने के लिए इसको देखेंगे कि अभी वोल्टेज कितना है कैपेसिटर में। तो देखिए अभी इसमें 280 वोल्टेज है कैपेसिटर में, मतलब हमारा जो है ये लाइन चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे ये कैपेसिटर तक जो है वोल्टेज आ रहा है। तो ये हमारा जो है इतना तक आपका ये डायोड को छोड़ के, यहाँ पे 4 पिन का डायोड का पैकेज है तो इसके आगे तक जो है सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है, मतलब सेफ्टी के लिए और फिल्टर के लिए। तो ये जो है ये सेक्शन अगर आप हटा के डायरेक्टली इधर लगा देंगे डायोड की बीच में दो कनेक्शन तब भी चलेगा, लेकिन उसमें रिस्क ये होता है कि डायोड जल्दी से जल जाता है और ये डायोड जो है DC बनाता है तो PWM DC नहीं बना पाता है। तो उसके लिए ये जो है हमारा कैपेसिटर होता है एक हाई वोल्ट का, तो इस कैपेसिटर से PWM DC बन के हमारा ये सेक्शन में जाता है जो कि हमारा ये कॉन्वर्ट होता है ये चॉपर की, मतलब फेरिट को ट्रांसफार्मर की मदद से। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए एक अलग से IC होता है जो कि हमारा OPAM के साथ कनेक्टेड होता है। तो वो बाद में बताएंगे कैसे कैसे होता है और कैसे कैसे आपको चेक करना है। तो चलिए पहले हम इसको डिस्चार्ज करते हैं। अब आप क्या करेंगे, ऐसे एक बल्ब लेंगे और ये बल्ब की मदद से आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज पहले कीजिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएंगे। तो डिस्चार्ज कैसे करना है, ये डायोड की
आउटपुट में ये लगा हुआ है, तो आपको एक सिंपल प्लग ऐसे बना लेना होगा और इसको ऐसे इसको टच करना होगा, तो इसके बाद ये जो है डिस्चार्ज हो जाएंगे लाइट एक बार, हालांकि जल के मतलब दिखेगा भी नहीं लाइट, तो इसे आप एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा वोल्टेज अभी इसमें है कि नहीं है। देखिए अभी ये जीरो हो चुका है, तो इस तरीके से आप इसको डिस्चार्ज कर लीजिएगा। और डायरेक्टली कैपेसिटर को ऐसे डिस्चार्ज मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कैपेसिटर का जो क्वालिटी है वो खत्म हो जाता है, और ऊपर से ये पुराना है। तो एक बार देखिए इसमें किसी ने टच भी नहीं किया, एकदम फ्रेश बोर्ड है। तो हम इसको रिपेयर करेंगे, आराम से रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे आता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है, तो देखिए लाइन जो है ये डायोड तक आपका 220 वोल्ट मिलेंगे, तो इसमें कंटिन्यूटी मोड में आपको यहां तक आपको चेक करना है, मतलब डायोड की आगे तक। तो कंटिन्यूटी मोड में रख दिया और अब आपको चेक करके मैं दिखाता हूं। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पे एल लिखा हुआ है, तो एल का मतलब ये लाइव है, मतलब ये फेज है, और उसके ऑपोजिट मतलब साइड में यहां पे देखिए एन है, एन का मतलब न्यूट्रल है। तो ये जो है यहां पे ये ग्राउंडेड है, यहां पे ग्राउंड किया जाता है 3 नंबर पिन, तो उसको छोड़ दीजिए। तो यहां पे सबसे पहले एल में लगाएंगे और एल के कनेक्शन से देखिए यहां पे एक फ्यूज दिया गया है, ये बॉक्स टाइप का ये काला वाला, उसके बाद एक एनटीसी होता है। तो देखिए ये हम इसको चेक कर लेते, तो ये फ्यूज जो है हमारा सही है। तो अब हम क्या करेंगे बाकी का कंपोनेंट चेक करेंगे। तो पहले लाइव का जो लाइन है मतलब जो फेज का लाइन है उसे हम टेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्मिस्टर है, ये देखिए ये थर्मिस्टर का काम क्या है वो भी मैं बताऊंगा, और ये एक कॉइल जैसा बिहेव करता है, और यहाँ पे देखिए ये 6 ओम्स दिखा रहे हैं, तो ये सही है। उसके बाद एक और भी एक फ्यूज है AB80903, तो इसे भी हम चेक करेंगे, इसमें बीप साउंड आना चाहिए क्योंकि 0 ओम्स का होगा, ये कॉइल टाइप का एनटीसी टाइप का। तो उसके बाद और भी सिक्योरिटी यहाँ पे दिया गया है, और पावर फैक्टर को ठीक करने के लिए ये सब लगाया जाता है। देखिए इसके आगे कैपेसिटर है, तो ये खराब होने पर भी कोई दिक्कत नहीं होता, अगर मान लीजिए कि ये खराब हो गया आपने इसे उखाड़ के फेंक दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके सर्किट बोर्ड में, लेकिन ये लगाना मैंडेटरी है ताकि आपका पावर फैक्टर जो है ठीक हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि फ्लक्चुएशन की वजह से जो प्रॉब्लम होता है तो उसे ये ठीक कर देता है, और ये कॉइल भी उसको उस मतलब वैसे ही पावर फैक्टर को ठीक करता है। तो ये कॉइल जो है ट्रांसफार्मर का ये कॉइल है, तो ये इसका कैसे होता है मतलब ट्रांसफार्मर में 2 पिन में मतलब एक ही कॉइल में इनपुट होता है और दूसरी कॉइल से आउटपुट होता है, लेकिन इसमें जो कॉइल में इनपुट होता है उसी कॉइल की एंड साइड से आउटपुट होता है, तो ये है ऐसे काम। तो देखिए इसका जो है एक साइड में ये कॉइल है, तो इसको हम चेक कर लेंगे, ये खराब जल्दी से नहीं होता और हमारा यहाँ पे तो सही है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज बन रहा है बात ये है मैंने पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पे ये क्यों लगाया जाता है, ताकि जो है यहाँ पे कभी भी गलती से वोल्टेज मान लीजिए कि इधर मतलब रिवर्स वोल्टेज होके इधर अगर अटैच हो जाए तो शॉक ना लगे, या तो फिर आप कनेक्टर से हाथ से लगा रहे तो उसमें ना लगे, लेकिन उधर कभी नहीं आएंगे, जब डायोड खराब होगा तभी आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो दूर की बात। तो अभी और भी चीज जो है मैं आपको बताऊंगा, तो ये डायोड तक आपको चेक करना है, तो डायोड कैसे चेक करेंगे वो भी हम बताएंगे। तो पहले सुन लीजिए ये थर्मिस्टर क्यों लगाया जाता है, तो थर्मिस्टर का ओम्स आपने देखा 6 से 7 ओम्स होता है और 15 ओम्स का भी होता है। तो अगर ये नहीं लगाया जाता है तो क्या होगा, अगर ये थर्मिस्टर नहीं लगाए जाएंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा अगर शॉर्ट सर्किट होगा, तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। तो अगर वो नहीं रहता तो आपका क्या होगा, अभी ये देख लीजिए यहाँ पे, तो ये वोल्टेज जो है हम 220 कर देंगे नॉर्मल वोल्टेज, और यहाँ पे करंट हम कुछ भी नहीं करेंगे, और रेजिस्टेंस जो है हमारा देंगे 1, क्योंकि 0 जो है अनलिमिटेड है तो 0 नहीं कर सकते, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे ठीक है। तो ये करंट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे 22 हुआ था, तो हम इसको 220 कर देते हैं, अब कैलकुलेट करते हैं, सॉरी क्लियर करना होगा 220 और रेजिस्टेंस जो है हमारा 1, तो अभी देखिए 48 किलोवाट के ऊपर का इसमें लोड लेगा, तो 48 वाट जो है आप एक डोमेस्टिक में कोई भी बंदा यूज नहीं करता, तो घर का जो टोटल सर्किट जला सकता है, हालांकि मीटर भी जला सकता है, तो इसीलिए कंपनी ने इसको दिया है। तो ये 48.4 किलोवाट का कंजम्पशन करेगा अगर वो नहीं रहेगा तो, और अगर वो रहता है तो देखिए इसमें 6-7 ओम्स हो रहा है, तो देखिए 7 ओम्स का अगर रहता है तो क्या होगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूं 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस हमारा जो है 7 ओम्स का, तो ये जो है अभी हमारा 6.9 किलोवाट का मतलब 7 किलोवाट के अंदर है, तब भी
मतलब बच सकता है आपका। और लेकिन अगर अचानक ऐसे 48 किलोवाट का लोड लेगा तो आपका घर का जो चीजें है बाकी का वो भी बर्बाद हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, ये लगाया जाता है। तो आपको समझ में आया कि इसका वैल्यू क्यों है। अगर आप इसको शॉर्ट करके वापस जोड़ देंगे तो जब तक ये नहीं पिघलेगा, मतलब इसका जो फॉइल है, तब तक आपका घर का चीजें जो है जलता रहेगा और मीटर भी जल सकता है जो सप्लाई मीटर है। तो अगर आपका थर्मिस्टर ऐसे बर्न हो गया है, जैसे मतलब वो खराब नहीं होता जल्दी से, लेकिन अब तब भी अगर हो गया तो आप उसे जरूर लगाइएगा। 5 से 6 रुपए का प्राइस है, उसको लगाइएगा जरूर। ओके, तो ये मेरे को बताना था आप लोगों को। तो उसके बाद क्या होता है, ये कैपेसिटर जो है कभी फूलता भी नहीं है, लेकिन लिक्विड निकल जाता है यहां से। तो ये हाई वोल्टेज का कैपेसिटर है और इसका माइक्रोफैराड 100 के अंदर रहता है। इसे आपको देखना होगा और नेगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटी देख के आपको बदलना होता है। लेकिन आपको देखना होगा कि लीकेज हुआ कि नहीं हुआ। तो लेकिन यहां पे तो हमारा लीकेज नहीं हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अभी हम आउटपुट से शुरू करेंगे। आउटपुट से कहां से, ये डायोड से जो कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ है, तो यहीं से हमारा आउटपुट होता है। और एक चीज ऐसे, अगर एलसीडी आपके पास आता है तो एलसीडी जो है आपका मिनिमम 7-8 साल का पुराना होगा। ऐसे ये सब एलसीडी जो है 6-7 साल का पुराना मिनिमम होता है। तो उस टाइम आपका जो है ये कैपेसिटर आपको बदलना है, मतलब ये मैंडेटरी है। नहीं बदलोगे तो क्या होगा, फिर से खराब होगा। क्योंकि ये जो हमारा चॉपर से जो आउटपुट होता है, ये सिंगल मतलब फिल्टर होता है, मतलब कि सिंगल चैनल फिल्टर। जैसे कि ये स्पॉट की डायोड होता है, मतलब हाई पल्स डायोड होता है। तो ये शॉर्ट की डायोड से वो जल्दी से फिल्टर होता है। आपको शॉर्ट की लगाना है, अगर दूसरा डायोड लगाओगे तो वो जल्दी से वो काट भी जाएंगे। तो ऐसे में आपको देखना होगा कि यहाँ पे शॉर्ट है कि नहीं है। अगर शॉर्ट है तो इसे बदलना है, या तो फिर यहाँ पे ट्रांजिस्टर वगैरह है तो इसे भी चेक करना है, और ऑप्टा कपलर भी आपको चेक करना है। तो ऑप्टा कपलर चेक कैसे करते हैं, अगर आपको जानना है तो आप मेरा एक दूसरा वीडियो है देख सकते हैं। मैंने ऑप्टा कपलर चेक करने का एक मशीन भी बनाए थे, उसमें आप इसको लगा के देख सकते हैं। और कॉमनली इसमें 817 जो है लगता है, और 817 का प्राइस कितना है, 817 का प्राइस जो है आपका 6 से 7 रुपये वैसे ही। और कैपेसिटर 4 से 6 रुपये 8 रुपये में आपका ये कैपेसिटर मिल जाएंगे। हालांकि ये कैपेसिटर थोड़ा सा महंगा है, 80 से 90 रुपए में आपको ये मिलता है। और अभी ये आईसी को आपको चेक करना है। तो आईसी में क्या होता है, ये मोस्फेट टाइप का होता है। तो आपको देखना होगा कि यहां से जो लाइन जा रही है, यहां पे कोई भी ब्रेकेज नहीं हुआ कि नहीं हुआ। और यहां पे देखिए दो कैपेसिटर लगा होता है, ये देखिए, जो कि हमारा ये जो मेन मोस्फेट टाइप का आईसी है, ये मोस्फेट ही है, एक्चुअली मोस्फेट का पैकेज है ये। तो इसे ट्रिगर करने के लिए जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी आता है उसे फिक्स करता है ये। तो ये कैपेसिटर जो होता है आपका 50 से 60 वोल्ट का, या तो भी 63 वोल्ट का होता है। तो ये देखिए यहाँ पे 50 वोल्ट का है और 47 माइक्रोफैराड का है, और एक है 22 माइक्रोफैराड का। तो आप 100 माइक्रोफैराड यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये तो पैरेलल में नहीं है, ये अलग अलग कनेक्शन है। तो आप ये दोनों को भी एक बार देख लीजिएगा। और ये खराब होने पर भी आपका ये जो है आउटपुट नहीं मिलता है। तो आपको इसे चेक करने के लिए क्या करना होगा, आप पावर सप्लाई से इसे पावर देंगे और देखेंगे कि ये जितने वैल्यू का है उतना वोल्टेज तक ये स्टोर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो उसके बाद आप इसे चेक करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा दो डायोड होता है और पीएफ भी होता है यहाँ पे। ये पीएफ भी खराब होता है तो तब भी ये नहीं चलेगा, लेकिन पीएफ से आगे डायोड खराब होना जरूरी है। यहाँ पे जो डायोड है छोटा मोटा, तो ये छोटा दो डायोड जो है ये आपका टीवीएस टाइप का डायोड होता है। तो इसे आप एक बार चेक कर लीजिए वही डायोड मोड में, मतलब बाजार मोड में। तो आप इसे देखिएगा, तो दोनों साइड से इसमें ओम्स आ सकता है क्योंकि सर्किट की वजह से, तो दोनों साइड से नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। और इसमें भी हम देख लेंगे, ये भी डायोड हमारा बीप नहीं कर रहा है। और यहां पे देखिए एक 100 किलो ओम्स का रेजिस्टर लगा हुआ है जो कि ये नहीं जलेगा, तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपका चॉपर होता है, तो चॉपर में दो कॉइल होता है इनपुट की सेक्शन में, और आउटपुट में एक कॉइल होता है। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और तो देखिए यहां पे ये जो है आपका, ये पहले प्राइमरी में आपका ये दो कॉइल लगा होता है। तो एक कॉइल इसका रनिंग कॉइल होता है, तो ये कॉइल मान लीजिए कि इस साइड का कॉइल, अगर ये बंद नहीं होगा तो आपका जो है ये आउटपुट में कुछ नहीं मिलेंगे। तो ये कॉइल को ऑफ ऑन किया जाता है यहाँ पे ऑप्टा कपलर और इसी सर्किट की मदद से। तो इसे ऑफ करके इससे मतलब कि आउटपुट निकाला जाता है, मतलब इसे ऑफ, ये ऑफ होगा तभी ये चलेगा। तो ये तो दूर की बात, अगर एसएमपीएस का फुल क्लासेस होगा तो उसमें हम बता सकते हैं, लेकिन इसमें तो शॉर्ट टाइम ये है, ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं। तो ये कॉइल जो है इसके साथ भी स्कॉट की डायोड का कनेक्शन होता है, और इसके साथ भी, और यहाँ पे एक रजिस्टर भी कनेक्टेड होता है, और आपका एक पीएफ भी कनेक्टेड होता है। तो उसके बाद क्या होता है, ये सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है आपका, ये आउटपुट से एक कनेक्शन होता है जो कि हमारा ये ऑप्टा कपलर कनेक्टेड हुआ है। आप देखिए, तो ये ऑप्टा कपलर जो है यहाँ पे देख लीजिए, ये कनेक्टेड हुआ है, और यही कनेक्शन हमारा ये इधर ही आ रहा है। तो इधर आके ये जो कैपेसिटर है इसके साथ भी जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब काम करता है तो इसे मतलब वोल्टेज जो कितना देना होगा, और मतलब कितना पल्सेस देना होगा इस आईसी को, तो वो
ये डिसाइड करता है, मतलब ये कैपेसिटर जो है फिक्स कर देता है। तो ये अगर खराब हो जाएंगे तो फिक्स नहीं होगा, तो क्या होगा, इमैच्योरिटी होगी उसमें, पैदा हो जाएंगे, मतलब कि उसमें क्या होगा, अच्छे से आपका जो है ट्रिगर नहीं हो पाएंगे, ये मोस्फेट काम नहीं कर पाएंगे। तो काम अच्छे से मोस्फेट नहीं करेगा तो जो है इसमें ये चॉपर भी काम नहीं करेगा, मतलब ये ट्रांसफार्मर बूस्ट भी नहीं होगा और आउटपुट से आपका कुछ भी नहीं निकलेगा। तो और एक बात आप देख लीजिए कि ये जो है हमारा एक एक लाइन को फिल्टर कर रहा है, एक तो 12 वोल्ट का और एक 5 वोल्ट का, तो ये तो बाद में पता चलेगा, मैं चेक करके बताऊंगा चेक करके। तो ये जो है लेकिन नेगेटिव कैसे होता है, नेगेटिव जो है आपका डायरेक्टली नेगेटिव होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव कैसे बन रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए डायरेक्टली ये यहां से नेगेटिव बन रहा है, और इस नेगेटिव के साथ इधर की नेगेटिव का, मतलब ये आउटपुट की नेगेटिव के साथ इनपुट का नेगेटिव का कनेक्शन में एक यहाँ पे देखिए पीएफ टाइप का कैपेसिटर इसमें लगाया जाता है, वो भी सिक्योरिटी के लिए। तो खैर ये सब देखने की हमें जरूरत नहीं है, हमें रिपेयर करना है। तो अभी हम चेक करेंगे, तो पहले डायोड को तो हमने चेक कर लिया, इधर का भी चेक कर लिया, और यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं था, तो हमने ये यहाँ तक चेक करके आपको बताए थे। उसके बाद आपको ये भी दिखाए थे, ये कॉइल भी, उसके बाद डायोड को हमने बताए थे कि चेक करके दिखाऊंगा आपको। तो डायोड को कैसे चेक करते हैं आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव साइड कहाँ है, तो ये पॉजिटिव साइड इस साइड में है और नेगेटिव साइड इस साइड में है। तो नेगेटिव में नेगेटिव अगर लगाएंगे आप और इसे ऐसे लगाएंगे तो कोई भी ओम्स इसमें नहीं शो करेगा डायोड में, और ऑपोजिट में करके लगाएंगे तो आप इसमें ओम्स देख पाएंगे। और वैसे ही ऐसे आप कीजिएगा दूसरी साइड में, ठीक है। तो दूसरी साइड में भी ऐसे करके देखिए, और ऑपोजिट करने से इसका ओम्स नहीं आना चाहिए, आप देख सकते हैं। तो इसमें कोई नहीं आ रहा है ओम्स, तो इसमें क्या हुआ हमारा, यहां तक तो सही है, पहले भी सही था, मैंने बता रहा था, मतलब दिखाने के लिए आपको कर रहा हूं ये, तो देख लीजिए एक बार। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आउटपुट से चेक करेंगे। तो ये आपका ये डायोड तक आप चेक कर लिया, तो आपका ये मान लीजिए कि मैक्सिमम हो गया, और आपको ये मोस्फेट टाइप का जो पैकेज है आईसी का, इसे आप चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, इसे आप खोलिएगा स्क्रूड्राइवर से, और आपको पता लगेगा कि इसमें फटा है कि नहीं फटा है। अगर नहीं फटता है तो ये ज्यादा से ज्यादा खराब नहीं होता, खराब होता है तो फट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खराब हुआ है तो फट जाएंगे, बट आपको देखना होगा, ऐसे खोल के आपको देखना होगा। कैसे देखेंगे, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये ऊपर से फटा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए ये जो है हमारा बिल्कुल सही है, तो इसे हम दोबारा लगा देंगे, क्योंकि इसे आप चेक करके भी देख सकते हैं। तो चेक करने के लिए आपको इसका पिन आउट निकालना होगा, तो पिन आउट कैसे निकालेंगे आप ये मत पूछो, क्योंकि ये बच्चों जैसा क्लास टू का सवाल हो जाएंगे, क्योंकि आपका इसके ऊपर जो नंबर रहेगा वो आप इसे डाल के चेक कर सकते हैं, और इसकी वजह मतलब इसको उठा के आप 3 पिन का भी ट्रांजिस्टर इसमें यूज कर सकते हैं। 600 वोल्ट का जो ट्रांजिस्टर या तो फिर मोस्फेट होता है उसे भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो उसे हो जाएंगे। तो देखिए अभी हम आउटपुट में चेक करेंगे, तो आउटपुट में क्या चेक करेंगे, पहले ये कैपेसिटर्स को चेक करेंगे। तो कैपेसिटर्स में शॉर्ट होने की वजह से क्या होता है, बीप साउंड करता है। तो देखिए ये आउटपुट जो है हमारा शॉर्ट दिखा रहे, तो ऐसा भी हो सकता है ये लॉजिक कार्ड भी खराब होता है, तो लॉजिक कार्ड या तो फिर डेड का होने का कारण और होता है, ये पैनल जो है हमारा पैनल का जो मेन सप्लाई इसमें VCC या तो फिर VDD जो इसमें इनपुट होता है, तो वो 5 वोल्ट से 3.5 वोल्ट बनता है। तो एक्चुअली में वो जो इनपुट हो रहा है वहां पे, तो वो है आपका मतलब वहां पे जो कैपेसिटर वगैरह होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है या तो फिर नॉर्मल सी क्या बोलते हैं MLCC होता है, जो वो खराब हो जाता है तो शॉर्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपका शॉर्ट दिखाता है। तो और कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो लंबा वाला है ये खराब होता है, तो इसे हम देखते हैं खोल के, इसे खोल दिया। अब हम दोबारा चेक करेंगे इसमें आउटपुट का कैपेसिटर जो है शॉर्ट है कि नहीं है, तो अभी हम यहाँ पे दोबारा चेक करेंगे। तो अभी देखिए इसमें 1 ओम से आ रहे हैं, तो कैपेसिटर को हम खोलेंगे, और कैपेसिटर को कैसे खोलते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। और कैपेसिटर अगर खराब नहीं है तो तब भी आप बदल दीजिएगा, बिकॉज ऑफ दैट ये बहुत पुराना हो चुका है और उसके अंदर फ्लूइड होता है, फ्लूइड मतलब एक टाइप का लिक्विड होता है, तो उस लिक्विड से वो क्या होता है प्योर DC बनाने का काम करता है। तो इसे आप गौर से देखिएगा कैसे मैं खोल रहा हूँ इसको, तो इस तरीके से मैजिक की तरह ये निकल जाता है। तो देखिए ये निकल चुका है, और अब हम इसको चेक करेंगे। तो इसे चेक करने के लिए फिर से आपको बाजार मोड में रखना होगा, और ये कितने वैल्यू के 1000 माइक्रोफैरड है, तो इसे टेस्ट करने के लिए लाखों का मीटर लगेगा, और अगर नॉर्मल मीटर से आप चेक कर रहे हो तो मतलब कि नॉर्मल जो माइक्रोफैरड का टेस्ट करने का मीटर होता है उसमें आपको 400 से 500 माइक्रोफैरड के ऊपर आप चेक नहीं कर सकते। तो
तो इसके हमें चेक करने के लिए इसे ऐसे ही चेक करना है, कैसे, बाजार मोड में रख के ऐसे लगाएंगे तो इसमें देखिए ओम्स आएंगे, कब आएंगे, जब पलट के लगाएंगे तब फिर से आएंगे और वो फिर से जीरो हो जाएंगे, देखिए उसके बाद इसको बदल देंगे तो इसे फिर से ऐसे होगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा और जीरो हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं, मतलब कि ये जो है हमारा खराब नहीं हुआ। तो अभी हम क्या करेंगे, डायोड को चेक करेंगे। तो डायोड को चेक करने के लिए क्या करेंगे, वैसे डायोड मोड में रखने देंगे और एक एक करके हम चेक करना शुरू करेंगे। तो इसमें हमारा जो डायोड जो है इसमें जीरो ओम्स दिखा रहे हैं, इसमें भी हमारा जीरो, इसमें भी नहीं, इसमें जीरो नहीं है, इसमें 134, इसमें हमारा जो है 134। तो इसी सेक्शन में हमारा जो है शॉर्ट दिखा रहे हैं, तो हम इसको खोलेंगे। तो ये स्क्वाड शॉर्ट की डायोड है, ये शॉर्ट की डायोड जो है इसे हम खोलेंगे। तो आउटपुट शॉर्ट होने के बाद भी आपका जो है ये काम नहीं करेगा। तो ये दोनों डायोड में हमारा शॉर्ट दिखा रहे हैं, तो एक एक करके हम इसको खोलेंगे। तो आप इससे हाई वाट का भी आयरन यूज कर सकते हैं, लेकिन हाई वाट का हम यूज नहीं कर रहे। अगर ऐसे आप खोले मोटा वाला कोई डायोड वगैरह तो आप इसमें हाई वाट का इस्तेमाल कर सकते हैं आयरन। तो ये खोल के नीचे गिर चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम दूसरा भी खोल देंगे, क्योंकि ये दोनों शॉट दिखा रहा था। और खोलने के बाद इसे एक बार क्लीन कर लीजिएगा, फ्लुक्स दीजिए। इस तरीके से क्योंकि बाद में लगाने में आपको परेशानी नहीं होंगे। और डायोड को आप टच करके लगा नहीं सकते क्योंकि बहुत गर्म होता है। डायोड का जो लीड होता है वो प्योर कॉपर का होता है, तो इसकी वजह से आपका जो है आप लगा नहीं सकते। तो अभी हम क्या करेंगे, ये दो डायोड को हम चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, वैसे ही शॉर्ट दिखा रहे हैं। डायोड में कभी शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए, एक साइड में ओम्स आएंगे और एक साइड में ओम्स नहीं आएंगे। तो देखिए इसमें हमारा ओम्स आ रहा है 153 और अपोजिट में ओम्स नहीं आ रहा है, मतलब ये डायोड सही है, एक ही खराब हुआ है। तो हम एक ही को लगाएंगे और कैपेसिटर को चेंजेस करेंगे। तो डायोड को हम देख लेते हैं, तो खराब वाला छोड़ के जो अच्छा वाला है उसे रख लीजिएगा और दोबारा चेक कर लीजिएगा, कन्फर्म सही है। और इसका नंबर जो है SR5100। तो आप इसमें क्या लगा सकते हैं, SR506, ये जो है ये भी एक स्कॉट की डायोड है, इसे आप लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, ये भी काम करेगा। तो चलिए हम इसको लगा देते हैं। खराब वाला नहीं लगाया भाई साहब, गौर कर लीजिएगा, दोबारा हम चेक करके दिखाएंगे, क्योंकि खराब लगाएंगे तो नहीं चलेगा। और अगर आप एक भी लगाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि दोबारा कस्टमर आएंगे, मतलब नहीं आएंगे, दूसरी जगह वो भाग जाएंगे, आपसे काम नहीं कर पाएंगे। दोनों का दोनों डायोड लग चुका है, मैं आपको दोबारा एक बार चेक करके दिखाता हूँ, ओम सारे। तो अभी हम क्या करेंगे, कैपेसिटर्स को जो है बदल देंगे। क्यों बदलेंगे,
मैं आपको बताया कि बहुत पुराना है तो इसे बदल देंगे। और पहले जो खोले थे उसका वैल्यू एक बार देख लेते हैं। ये 25 वोल्ट का है और ये भी 25 वोल्ट का है, 470 माइक्रोफैरड है। तो इसमें दोनों में हम 1000 माइक्रोफैरड करके लगा देंगे। ये थिनर कॉटन में थोड़ा सा लगाइए। तो ये क्लीन हो चुका है और आप इसका पोलैरिटी देख के दो कैपेसिटर को लगा दीजिए जरूर। 1000 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट हम लगा रहे हैं, 750 के जगह भी हम इसको लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए इसका साइज और ये 1000 माइक्रोफैरड का साइज सेम ही है लगभग, क्योंकि ये लगाना जरूरी है इसलिए, नहीं तो आपका दोबारा खराब हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताया कि खाली इसका पॉजिटिव फिल्टर होता है और नेगेटिव जो है डायरेक्टली चॉपर से आउटपुट होता है, तो ये प्योर डीसी नहीं बनता है। हालांकि स्कॉट की डायोड से भी प्योर डीसी नहीं बनता है, तो उसमें क्या होता है खराब हो जाता है, फिर से डायोड खराब हो जाएंगे नहीं तो जल्दी से। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे और देख लीजिए एक बार, पोलैरिटी कन्फर्म कर लीजिएगा। नेगेटिव दोनों का एक साइड में ही है तो हम इसको ऐसे सोल्डरिंग कर देंगे। सोल्डरिंग करने के बाद आप इसको अच्छे से क्लीन जरूर कीजिएगा और ऐसे सोल्डरिंग करने के बाद आप इसको काटिए आराम से। और अब इसको क्या करेंगे, क्लीन कर देंगे इस तरीके से। क्लीन इसीलिए करेंगे ताकि जो है मॉइस्चर ना पकड़े। और आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा ये जो है आपका सोल्डरिंग जो है सही हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। तो देखिए एक बार मैंने कहाँ कहाँ सोल्डरिंग किया, आप भी भूल चुके हैं। ये 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 और ये दो डायोड का लीड और ये दो डायोड का लीड देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पे लगाएंगे और इधर का भी आप चेक करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में देखेंगे, अभी हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। और अगर हम कैपेसिटर चेंज ना करते तभी चलता, लेकिन मैंने आपको बता दिया इसका रीज़न क्या है। और अगर आप चाहते कि दोबारा आपके पास आए तो खाली इसको मतलब रहने दीजिएगा, डायोड चेंज करके भगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई गुड कस्टमर होगा तो आपको ये करना मैंडेटरी है, क्योंकि आपका आप तो चार्जेस लेंगे ही, फ्री में तो नहीं कर रहे आप, तो इसे ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसका जो है पावर ऑन करेंगे, ऑन कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है लाइट आ चुका है, थोड़ा सा लाइट यहाँ पे जल रहा है और बैकलाइट, तो मैं बैकलाइट जल के ऑफ हो चुका है। यहाँ पे गौर से देखिएगा, मैं एक बार फिर से करता हूँ। दोबारा से इसमें ऑरेंज लाइट हो चुका है, इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जल रहा है और यहाँ पे भी देखिए लाइट भी आ रहा है, ठीक है, बंद है। दोबारा करता हूँ,
आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज को आपको एक बार चेक करके दिखा देंगे। ये वोल्टेज एसटीबी है, मतलब स्टैंड भी वोल्टेज है, ऑलवेज स्टैंड भी होता है। तो ये वोल्टेज ऑलवेज आपको रहेंगे, बाकी का वोल्टेज जो है बाद में बनता है, लेकिन ये वोल्टेज आपको ऑलवेज मिलेंगे। तो आप उसे कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए आप यहाँ पे देखिएगा, तो कोई भी नेगेटिव में ऐसे लगा दीजिएगा इसको और इस तरीके से वोल्टेज को चेक कीजिएगा। लेकिन मल्टीमीटर का जो है आपको डीसी रेंज में रखना होगा। देखिए मैं इसको रख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 17 वोल्ट और यहाँ पे देखिए 5.01 वोल्ट, यहाँ पे देखिए 17 वोल्ट देख सकते हैं। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, सेट कर देंगे। लेकिन सेट करने से पहले आपको मैं दिखाऊंगा, तो दिखाने के लिए हमें जो है एलवीडीएस को लगाना होगा। और देखते देखते 22 मिनट हो गया, और ये मैंने लॉजिक कार्ड को लगा दिया और मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। एक सेकेंड, देखिए आसूस आया है, आप देख सकते हैं। और ये अभी तो स्लीप मोड में चले जाएंगे क्योंकि इसमें वीजे नहीं है, वीजे नहीं दिया मैंने, तो इसकी वजह से। तो ये हालांकि चल रहा है, अब हम चेक करेंगे, एक घंटे के लिए रख देंगे इसको सिस्टम में, सीसीटीवी की जो आउटपुट है उसमें लगा के इसको रख देंगे, टेस्टिंग कर लेंगे, एक घंटे के बाद इसको डिलीवरी कर देंगे। सो गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके रिलेटेड कोई सवाल का अगर जवाब चाहिए तो फेसबुक में हमें कमेंट कीजिएगा, फेसबुक पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा, फेसबुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।